जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। और दोस्तों आज की वीडियो एक अपडेट को लेकर है जो कि आपका जो देसी ट्विटर के नाम से जाना जाता है जिस ऐप का नाम है कू, तो आज इसी के अपडेट को लेकर बात होने वाली है। तो पूरी अपडेट को जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ट्विटर जो है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा एक फेमस सोशल प्लेटफॉर्म है। आज हम बात करने वाले हैं देसी ट्विटर की, जिसका नाम है कू, और इसको देसी ट्विटर का नाम दिया गया है। और इस ट्विटर ये जो कू है ये चर्चा में आया था जो किसान आंदोलन हुआ था इसी के समय पर चर्चा में आया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो मेन ग्लोबल ट्विटर है इसके ऊपर काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन लगा रहा था, जिस कारण से आपका जो देसी ट्विटर है जिसको कू है ये काफी ज्यादा चर्चा में आया। तो यहां पे आज इसी के अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें जो अपडेट आया है वो आया है टाइप टू। तो दोस्तों इसमें जो अपडेट आया है वो है टॉक टू टाइप फीचर्स। यहाँ पे इसके जो फाउंडर हैं जिनका नाम है अपरमेय राधाकृष्णन, इन्होंने कहा है कि ये जो टॉक टू टाइप फीचर्स है ये जो है वो कू के लिए एक बहुत ही एक जादू के जैसा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इनका ये कहना इसलिए है क्योंकि अभी तक जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक हो गया, फेसबुक के साथ साथ आपका ट्विटर हो गया, इसमें किसी में भी आपको टॉक टू टाइप का फीचर्स अभी देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे इसके जो को फाउंडर हैं जिनका नाम है मयंक विदावक्ता, इन्होंने कहा है कि ये जो फीचर्स है इस फीचर्स को लॉन्च करने में उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और उन्होंने साथ में बताया है कि ये जो कू का जो टॉक टू टाइप फीचर है ये आपकी रीजनल भाषाओं को सपोर्ट करेगा। मेन बात यही है कि ये जो टॉक टू टाइप फीचर है और कू जो आपका देसी ट्विटर के नाम से जिसे जाना जाता है इसको इसलिए सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रखा, ये अपडेट इसलिए सबसे ज़्यादा अच्छा हो जाता है क्योंकि आपकी रीजनल भाषाओं को सपोर्ट करता है, जैसे कि आपकी अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया, कन्नड़ हो गया, बंगाली हो गया, मराठी हो गया, यानी आपकी जितने भी रीजनल भाषाएँ हैं ये इनको प्रॉपरली सपोर्ट करेगा। और इनका कहना है कि अभी तक कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म जो है उसने अभी तक किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म में टॉक टू टाइप फीचर्स नहीं है, साथ ही साथ टॉक टू टाइप फीचर के साथ उसमें ना ही किसी भी रीजनल लैंग्वेज को सपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने ये बहुत बड़ा अपडेट दिया हुआ है और अपडेट देने के साथ साथ उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की है। और इनका कहना है कि अभी तक वर्तमान में उन्होंने 55 लाख इनके यूजर्स जो है वो जुड़ चुके हैं। और इनका कहना है, कंपनी का कहना है कि हमारा जो टारगेट है वो कम से कम 10 करोड़ यूजर्स तक पहुँचने का इसका टारगेट है। तो दोस्तों ये था कू के द्वारा जो अपडेट हुआ था इसके बारे में। और दोस्तों कैसे लगी आपको अपडेट नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। क्या आप कू को यूज करते हैं? अगर यूज करते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप अगर हमारी टेक्निकल आर्मी से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।